जामवंत के बचन सुहा सुनि हनुमंत हृदय तिभाए यह कह सबाही नाइ कर माथा चले हरसिया धरि रघुनाथा सिंधु तीरिक धोधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर जहि गिर चरण देत हनुमंता चलिगा सोपा तल तुरंता जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक ओई श्रम हारी। हनुमान जी जामवंत जी के वचनों को सुनकर श्री राम कहकर के लंका के लिए प्रस्थान कर दिए। पवन बेग से उड़ते हुए छलांग लगाई और आखिर चलते चलते जब समुद्र के बीच में जा रहे होते हैं कि तब मैनाक पर्वत आकर कहता है कि तनिक हनुमान विश्राम कर लो, तो हनुमान कहते हैं बिना राम के कार्य को किए हुए मुझे विश्राम कहाँ। तब हनुमान तुरंत चल देते हैं। जात पवन सुता देवन देखा जाने कहू बल बुध बिसेखा सुरसा नाम अहिनी के माता पठई नहीं कहीं तही बात हनुमान जी जब जा रहे होते हैं तो देवता हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजते हैं। सुरसा हनुमान जी के मार्ग में खड़ी होकर के कहती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगी, अपना भोजन तुम्हें बनाऊंगी। तब हनुमान कहते हैं माता मुझे जाने दो, मैं प्रभु के कार्य को पूरा करके आ जाऊं, उसके बाद स्वयं मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानती और अपने शरीर को बढ़ाने लगती हैं और शरीर को बढ़ाते बढ़ाते आखिर 100 योजन का मुंह बना लेती हैं। तब हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर सुरसा के पेट में उदर में प्रवेश करके बाहर आकर के विदा मांगते हैं कि माता अब मुझे आज्ञा दो। तब सुरसा कहती है कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हनुमान तुम सीता की खोज अवश्य करोगे, जाओ अंजनी लाल जाओ। इस चर एक सिंधु में रही करी माया नभि के खग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल पिलो की तीन के पछिताई सोई छल हनु मान कह कीना तासु कपट कपि तुर तही चीना ताही मारी पवन सुत बीरा बारिध पार गयो मति धीरा हनुमान जी चले जाते रहते हैं कि समुद्र में एक निश्चरी रहती है जो किसी भी जीव की परछाई को देखकर पकड़ करके भक्षण कर जाया करती है। हनुमान जी भी आते हैं मार्ग में तो वह राक्षसी हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ती है, परंतु हनुमान जी उसे एक लात मार करके आखिर आगे बढ़ जाते हैं और तब हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार करके लंका के दुर्ग पर पहुंच जाते हैं जहां लंकिनी लंका की रखवाली करने के लिए रहती है। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिरी नरहरी नाम लंकनी एक निश्चरी शोक है चले सी मोहिनिंदरी जाने सी नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार कहां लगी छोरा। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते रहते हैं कि तभी लंकिनी हनुमान जी को रोक देती है और कहती है कि मैं लंकिनी हूँ, लंका की रखवाली करने के लिए यहाँ रहती हूँ, आगे बढ़ने से पहले मुझसे युद्ध कर। और तब हनुमान जी उसे एक एक मुक्का मारते हैं जिससे वह धरा पर गिर जाती है।
आखिर भवन से बाहर आकर विचार करने लगे कि आखिर अब क्या करूं यहां पर। तो अचानक उन्हें राम नाम का एक मंदिर दिखाई पड़ा। खोजते हैं सीता को लंका में ना पाते हैं, वीर हनुमान एक मंदिर की ओर जाते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करिवास। मन महुतरक कर कपिला गाते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ लंका में तो तमाम निश्चर रहा करते हैं, यहाँ पर राम भक्त कैसे कोई हो सकता है। इन्हीं विचार में हनुमान जी हैं कि तभी विभीषण जाग गए। विभीषण जागने के बाद राम राम से वरन किया तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये तो कोई राम भक्त ही हैं। आज तो भक्तों को भगवान क्या मिलाते हैं, वीर हनुमान एक मंदिर की ओर जाते हैं। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम किया। विभीषण जी आए, प्रणाम करके आसन दिया, तमाम समाचार पूछा, हाल समाचार पूछा। तो हनुमान जी ने कहा कि लंका में राक्षस रहते, तुम कैसे रहते हो यहाँ, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। विभीषण जी बता रहे हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसमी तुम जीव बेचारी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, उसी तरह से मैं लंका में रहता हूं। सत्य ही विद्वानों पंडितों ने कहा है, बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिला करते हैं। आज अवभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। तब विभीषण जी से हनुमान जी ने सारी बात बताई कि भाई मैं प्रभु का सेवक हूँ, ये ब्राह्मण रूप का धोखा है, मैं माता जानकी की खोज करने के लिए लंका में आया हुआ हूँ। रावण ने माता सीता को कहाँ छुपा के रखा है, कुछ रहस्य पता नहीं चल रहा है, आप कुछ जानते हो तो बता दीजिए। सो विभीषण जी कह रहे हैं, पुन सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखन चहु जान की माता। विभीषण ने कहा कि माता सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, हनुमान जी वही अशोक वाटिका में वो मिलेंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं माता जी से मिलना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा मिले तो मैं माता के पास जाऊँ। विभीषण जी ने कहा कि अवश्य जाइए भक्तराज, माता का संदेश ले लीजिए, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना, क्या मुझको भगवान कभी दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु की कृपा आप पर सदैव रहेगी, आप भगवान के पास जरूर मिलेंगे, भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। इतना कह के हनुमान जी शीघ्रता के साथ विभीषण जी से बैठकर माता सीता के पास अशोक वाटिका में चल पड़े। जुगुद विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गए पुनितहवा, बन अशोक सीता रही जहवा। आज दो भक्तों को भगवान क्या मिलाते, वीर हनुमान एक मंदिर की ओर जाते हैं। हनुमान जी आखिर अशोक वृक्ष के पास गए, उसी अशोक वृक्ष पर हनुमान जी चढ़ करके बैठ गए। अब माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और विचार किया कि मैं देखता हूँ कि यहाँ होता क्या है, माता के साथ कैसे व्यवहार किए जाते हैं,
इन्हीं विचार से हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ आया। मंदोदरी के साथ जब रावण आया तो सीता जी को अनेक अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करने लगा। तेही अवसरी रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि कलसी तई समुझाय, सावदाम भय भेद दिखाय। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करव प्रण मोरा, एक बार बिलोक मम। रावण कहता है, सीते एक बार मेरी तरफ देखो, मंदोदरी इत्यादि रानियों को मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा और तुम्हें प्रधान पर रानी बनाऊंगा। सीता जी कहती हैं, सुन दसमुत खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करहि का विकासा, असमन समझू कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण। सीता जी ने कहा, मूर्ख रावण, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिलता है। अरे तू तो मुझे चुरा करके लाया है, दुष्ट तुझे क्या मेरे स्वामी श्री राम के बाणों की सुधि नहीं है। रावण अपने आप को जुगनू के समान सुनकर, भगवान राम को सूर्य के समान समझ करके बहुत क्रोधित हुआ और बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटियाउ तब सिर कठिन कृपाना, नाही त सपति मान मम बानी, सुमुख होत नहीं जीवन हानि। सीते तूने मेरा अपमान किया है, मैं इसी क्षण तेरा चंद्रहास तलवार से सिर काट दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानती है। सीता जी ने कहा कि इस चंद्रहास तलवार से मेरे दुख अगर दूर हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैं अपने प्रभु श्री राम को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। तब रावण क्रोधित हुआ, सुनत बचन पुनि मारन लावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहस सकल निश्चर ही बोलाई, सीता बहु विधि दास हो जाए। माता जी की बात सुनकर के रावण ने कहा कि मैं तुरंत मार डालूंगा, और तलवार निकाल करके मारने के लिए दौड़ा। कि मंदोदरी ने कहा कि किसी पराई स्त्री पर शस्त्र उठाना पुरुष को शोभा नहीं देता। सो रावण ने मंदोदरी की बात मान करके कहा कि एक महीने में मेरी बात नहीं मानी तो मारी जाएगी। तमाम राक्षसियां इसे दुख पहुंचाओ, कष्ट पहुंचाओ, त्रास पहुंचाओ, ताकि मेरी बात ये मान ले। इतना कहकर के रावण चला गया। इधर हनुमान जी वृक्ष पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन उन्हीं राक्षसियों में एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी जो भगवान की भक्ति में रत रहा करती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका, सबई बोली सुनाए सी सपना, सीते से करा हित अपना। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने समस्त राक्षसियों को बुलाया, कहा कि सीता को कष्ट मत दो, दुख मत दो, अन्यथा सभी मारे जाओगे। मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है। सपने बानर लंका जारी, जातुदान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुसवी। दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। मैंने रात्रि में सपना देखा है कि एक बंदर आया और उसने लंका को जला दिया। सारी राक्षसों की सेना मारी गई। रावण नंगा है, गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 200 भुजाएं कटी हुई हैं राक्षसियों।
इस प्रकार वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण को मिल गई है। विभीषण लंका के राजा हो रहे हैं। नगर में रामचंद्र जी की दुहाई हो रही है, जय श्री राम के घोष हो रहे हैं। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सीता को दुख न दो, सीता की सेवा करो, दुख दोगी तो सबके सब मारी जाओगी। त्रिष्टा के वचन सुनकर के माता सीता जी बड़ी दुखी हुई, हाथ जोड़ करके बोली, माता तुम्हारे सिवा इस लंका में मेरा कौन है। त्रिष्टा सन बोली कर जोरी, मातु विपत संग नित मोरी, तजउ देहु कर बेगु पाई, दुसह बिरह अब सही नहीं जाए। आनिका टुर चुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई, सत्य करहु मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल सम वाणी। ऐ माता तुम्हारे सिवा लंका में मेरा कोई नहीं है, कहीं से लकड़ियां लाकर चिता सजा दे माता, उसमें आग लगा दे, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे, रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुनेगा। त्रिष्टा ने समझाया, राजकुमारी धैर्य धरो, इस रात्रि के समय में अग्नि कहाँ मिलेगी, लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, धैर्य धारण करो पुत्री, राम अवश्य आएंगे। सुनत बचन कही पद समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस, निस्नय नल मिलु राज कुमारी, असकई त्रिजटा भवन सिधारी। त्रिष्टा ने कहा, राजकुमारी सीते, इसमें रात्रि में अग्नि कहाँ मिलेगी, तुम भी विश्राम कर लो थोड़ा, और मैं भी थक गई हूँ, विश्राम करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर के त्रिष्टा चली गई। लेकिन इधर हनुमान जी वृक्ष पर बैठे बैठे रो रहे हैं। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिन कल्प सम बीता। सीता जी के विरह को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए, उनका एक क्षण भी एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। आखिर हनुमान जी सोच विचार में पड़े रहे कि माता के समक्ष जाऊं तो कैसे जाऊं। कपि करी हृदय विचार, तब दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठि करी गहूं। हनुमान जी इसी तरह के विचार करते करते आखिरकार प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी अशोक के वृक्ष पर से बैठे बैठे सीता जी के समक्ष गिरा दिए। अंगूठी को देखकर सीता जी उठकर हर्षित होकर के तुरंत हाथ में उठा लिया और विचार करने लगी, यह तो मेरे विवाह वाली मुद्री है जो मेरे स्वामी के हाथ में सुशोभित होती थी। मुंदरी विवाह वाली है, क्या लीला है, क्या रचना है, पर आई यहाँ पे कैसे है, कुछ भी न समझ में आता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, यहाँ कैसे आ गई, अगर कोई लेके आया है तो मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे बैठे राम नाम का गुणगान करने लगे। राम चंद्र गुण बर न लागा, सुनते ही सीता करे दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने वृक्ष पर से बैठे बैठे कहा कि अयोध्या के महाराज दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण पिता की आज्ञा से वन में निकले, चित्रकूट में आश्रम बनाई, भरत को खड़ाऊ दिया और तत्पश्चात ऋषियों के दर्शन करते हुए पंचवटी में आश्रम किया। पंचवटी में कुटिया बनाई जहां पर एक राक्षस ने माता का हरण किया और राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की खोज में निकले। जटायु का उद्धार कर
सेवरी के आश्रम में पहुंचे। सेवरी के आश्रम में सेवरी द्वारा बताए गए पंपापुर में सुग्रीव से मित्रता किया और बालिका वध करने के बाद बंदरों की सेना को सीता की खोज में पठाया। ये सब कथा हनुमान जी ने सुनाई तो माता सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, काह सो प्रकट होते नहीं भाई। जो अमृत बाणी सुनाता है, जो मेरे स्वामी की कथा सुनाता है, वो मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं हो जाता है? जैसे मेरे स्वामी आंखों से ओझल रहते हैं, वैसे तुम भी ओझल रहते हो। हे अशोक के गुप्त दूत, अगर तुम्हें मेरे स्वामी राम की शपथ है, अगर उनके भेजे हुए हो तो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तब हनुमंत निकट चल गया हूं, फिर बैठी मन विस्मय भय हूं। तब हनुमान जी अशोक के वृक्ष से नीचे उतरे, माता के सामने पहुंचे और माता ने देखा तो एक बंदर। बंदर का स्वरूप देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि क्या बंदर मेरे स्वामी का दूत है? क्या यही संदेशा लेकर के आया है? माता विश्वास करो, मैं प्रभु का ही सेवक हूँ। ए मैया मेरो नाम वीर हनुमान, हे मैया मेरो नाम वीर हनुमान। राम दूत मोहि जाना, हे मैया मेरो नाम वीर हनुमान, हे मैया मेरो। राम दूत मैं मात जाने की, सत्य शपथ करूं नानिधान की। यह मुंद्रिका मात मैं आने, दीन राम तुम कैसे ही दाने। राम दूत मोहि जाना, ए मैया मेरो नाम वीर हनुमान, ए मैया मेरो। ए माँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं प्रभु श्री राम का ही सेवक हूँ, आपका आपकी खोज करने के लिए आया हूँ। प्रभु ने ये अंगूठी दी है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि उन्होंने ही मुझे भेजा है। तो सीता जी ने कहा कि अगर तुम बंदर हो, मेरे स्वामी के दूत हो, तो ये बताओ कि नर और बंदर में कैसे मित्रता हुई? सो हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता को सविस्तार माता से बता दिया। पिके बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करिदास। हनुमान जी के वचनों को सुनकर के माता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये मेरे स्वामी के भेजे हुए हैं। तब तो बहुत प्रसन्न हुए। तो माता जी ने कहा कि ऐ हनुमान, ये बताओ, देवर सहित मेरे स्वामी कुशल से तो हैं, वो मेरी चर्चा करते तो हैं। हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर करके माता सीता जी से प्रभु का संदेश सुनाया। ए माता, सुध नहीं रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है? वहां और कुछ बात नहीं, बस आपकी माता चर्चा है। अरे जितने दुख आप सह रही है, जितने दुख माता सह रही है, दूना दुख प्रभु जी सहते हैं। जिस भांति धान बिन पानी के, उस भांति दया निधि रहते हैं। ऐ माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अगर स्वामी सुधि नहीं रखते तो आप आपकी सुधि लेने को क्यों भेजते? मेरे स्वामी माता, जितना दुख आप सहती हैं,
इससे कहीं दूना दुख मेरे स्वामी सहते हैं। आप निश्चिंत रहे माता, शीघ्र ही प्रभु आएंगे और आपको इस दुष्ट रावण से छुड़ा करके ले जाए। अब आई माँ तुम्हें जा भूलवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुआई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, आई है कपिन सहित रघुबीरा। निश्चर मारि तोहई लई जई है, तेहू पर नार दादी जसु गई है। ऐ माँ कुछ दिनों तक और धारण करो, प्रभु श्री राम आएंगे और आपको लेकर के जाएंगे। माता मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं इसी क्षण इस रावण को मार करके तुम्हें अपने पीठ पर बिठा कर इसी समय आपको लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिला देता। इस तरह के वचन सुनकर माता सीता जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हनुमान जी इतने छोटे स्वरूप धारण करके सीता जी के समक्ष थे कि सीता जी को संदेह हुआ और उन्होंने कहा कि ऐ पुत्र, तुम ऐसी बात करते हो जबकि यहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। राक्षस कंजल गिर के समान, काले काले मतवाले से, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। उन पर कैसे जय पाओगे, संदेह मुझे यह भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। ए पुत्र, यहाँ लंका में बड़े बड़े राक्षस रहा करते हैं, पहाड़ आकृति के राक्षस रहा करते हैं। तुम इतने छोटे से बंदर हो, उन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर पाओगे, मुझे यह बड़ा संदेह होता है। तब हनुमान जी ने समझा कि माता के संदेह को दूर करना अति आवश्यक है। सो हनुमान जी ने कहा कि माता आपका संदेह दूर हो इसलिए मेरे विशालकाय रूप को देखो। मोरे हृदय परम संदेह, हाँ सुन कपि प्रकट की ननिज दे। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीर। जब सीता जी को संदेह हुआ तो हनुमान जी ने अपना विशाल काय रूप दिखाया, जिससे माता सीता जी को विश्वास हो गया। प्रसन्न होकर के माता सीता जी ने कहा कि ऐ पुत्र हनुमान, आज से तुम अजर अमर रहोगे, मृत्यु तुम्हें छू तक नहीं पाएगी और जहाँ भी मेरे स्वामी के मंदिर होंगे वहाँ तुम्हारा भी स्मरण होगा। जो तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा वो मेरे स्वामी की भक्ति कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। अजर अमरी गुणनिधि सुत होऊ, करही सदा रघुनायक छोऊ। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन ही जान की माता। बार बार हनुमान जी माता जी के चरणों में प्रणाम करते रहे और आखिरकार अचानक हनुमान जी ने देखा कि अशोक वृक्ष पर फल लगे हुए थे। देखकर सो उन्हें और भी भूख लगी। माता जी के चरणों में प्रणाम करके बोले कि ऐ माता, मुझे अत्यंत भूख लगी हुई है। तब माता जी ने जो कुछ फल मिले थे तिष्ठा ने दिए थे उसे दिया कि इसे खा लो, पर हनुमान जी ने कहा कि इतने थोड़े से फल से मेरी इच्छा भी नहीं पूरी होगी और माँ आप भूखे रहें,
ये उचित नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना है। ऐ माता वृक्षों पर लगे हुए फल देख देख ललचाता हूँ, जाने को मन ये कहता है रखवाले पर जो माली है मैं उनको मार भगाऊंगा। माता कुछ चिंता करो नहीं, फिर लौट के फिर से आऊंगा। ऐ माँ, यहाँ जो फल लगे हुए हैं उसे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं इन फलों का भक्षण करूंगा। और हाँ माँ, तनिक भी चिंता ना करना, मैं इन राक्षसों से नहीं डरता हूँ, किंचित मुझे आने में विलंब हो जाए माता तो आप चिंता ना करिएगा। हाँ, जाने से पहले एक बार मैं आपके पास मिलने के लिए अवश्य आऊंगा। तब सीता जी ने कहा कि ए पुत्र हनुमान, स्मरण करके प्रभु को जाओ और मनमानी फल खाओ। सो हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने के लिए चल पड़े। चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरन लागा, रे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाई पुकारे। हनुमान जी अशोक वाटिका में तमाम फल जो लदे हुए थे उनका भोग लगाने लगे, भक्षण करने लगे, और जो वृक्ष थे उन्हें तोड़ते उखाड़ कर फेंक देते। आखिर कुछ निश्चरों को जब मालूम पड़ा तो हनुमान जी से लड़ने के लिए आए, हनुमान जी ने सबको मार मार के भगा दिया। आखिरकार जो कुछ राक्षस बचे खुचे थे वो रावण की सभा में जा पहुंचे। नाथ एक आवा कपि भारी, सही अशोक वाटिका उजारी। खायस फल अरु बिटप उपार, बिटप उपार, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। ए नाथ, एक बंदर आया है जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, जो हम लोग गए वहां पर तो हम लोगों को भी बहुत मारा पीटा है। समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने फिर अपने बेटे अक्षय कुमार को बुलाया और हनुमान जी को पकड़ कर लाने के लिए कहा। अक्षय कुमार युद्ध करने के लिए चल पड़ा। निपट ये तही अक्षय कुमार, चला संगल सुभट अपारा, आवत देख बिटप गही तर जा, बिटप गही तर जा, ताहिनी पाति महा धुनि गरजा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी से युद्ध करने लगा, पलक झपकते ही हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। अब तो राक्षसों में हाहाकार मचा और जो कुछ बंदर बच गए, जो कुछ राक्षस बचे वो भागते भागते रावण की सभा में गए और संदेश सुनाया कि अक्षय कुमार मारे गए। अब तो रावण को बड़ी चिंता होने लगी और तब बहुत क्रोधित हुआ और इंद्र को पराजित करने वाले अपने बेटे इंद्रजीत को बुलाया और आदेश दिया कि जाकर उस बंदर को पकड़कर मेरी सभा में लाओ। इंद्रजीत चल पड़ा। सुनि सुत बदलं के सरसाना, पटयस मेघनाद बलिवाना, मारस जन सुध बाध सिताही, देखिए कपि कहां करे आई। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु धन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा तरुआ।
इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा मेघनाद चल पड़ा। भाई के मारा जाना सुनकर उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा करके गरजे और उसकी ओर दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत की नलंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और वृक्ष को उखाड़ कर लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ के रथ पर फेंक दिया। रथ चकनाचूर हो गया, मेघनाथ रथ से धरती पर गिर पड़ा और हनुमान जी ने पलक झपकते हुए मेघनाथ को एक मुष्टिक प्रहार किया और उछल कर वृक्ष पर जा बैठे। तब मेघनाथ समझ गया कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे इस बंदर से, निश्चित ही मुझे ये मार डालेगा और पिताजी को अगर वैसे भाग के जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए विचार किया कि मेरे पास ब्रह्मफांस है, इसी ब्रह्मफांस से इस बंदर को बांधकर पिताजी के सन्मुख ले जाऊंगा। तो और जब ब्रह्मफांस को हनुमान जी ने देखा तो विचार करने लगे कि अगर मैं इसे नहीं मानता तो ब्रह्मा की मर्यादा भंग हो जाएगी, अगर मैं तोड़ना चाहूं तो ब्रह्मफांस को भी तोड़ सकता हूं, परंतु मर्यादा भंग करना उचित नहीं है, और बदकर इसमें जाऊंगा तो रावण को समझाऊंगा, शायद रावण समझ जाए और सीता जी को लौटा दे। इन्हीं विचारों से हनुमान जी बध रहे हैं। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन की न विचारा, जो न ब्रह्म शरमान हूं, महिमा मिटत अपार। ब्रह्म बाण कपि कहूं तेहि मारा, परत्यु बार कटक संहारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भय हूं, नाग पास बाध सिलय गय हूं। हनुमान जी के ऊपर जब ब्रह्म बाण मारा, हनुमान जी ने बढ़ते बढ़ते बहुत सारी सेना समाप्त कर दी, मार डाले बहुत से राक्षसों को, लेकिन जब हनुमान जी नाग पास में बधे तब तो राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए, कहा अब इस बंदर को लेके जाएंगे। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी, तासु दूत की बंतरु आवा, प्रभु कारज लगि कपहि बधावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनका नाम जप करने से ज्ञानी मनुष्य जन्म मरण के बंधन से कट जाते हैं, अर्थात शिव जी, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं को बधा लिए और राक्षस रावण की सभा में लेके जा रहे हैं। कपि बंधन सुन निस चर राय, कौतुक लाग सभा लय आए, दसमुख सभा देख कपि जाय, कहीं न जाय अति प्रभु ताई। बंदर का बधा जाना सुनकर अर्थात हनुमान जी बध गए हैं ऐसा जान करके राक्षस दौड़े प्रसन्न होकर के। रावण की सभा में हनुमान जी को ले जाया गया और जब रावण ने हनुमान को देखा तो रावण ने पूछा कि कौन है बंदर, कहां से आया है, मेरी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर डाला, तो मैं तेरे साथ क्या व्यवहार करूं। सो हनुमान जी ने कहा कि ऐ रावण, मैं प्रभु श्री राम का भेजा हुआ दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण जिनकी भार्या सीता को हरण करके लाए हो रावण, इसलिए तुम उनसे बैर बढ़ाए हो, संसार के पालक हैं, दया के सागर हैं, उनकी सीता लौटा दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। जो तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ और हनुमान जी से बोला, उपदेशक बनकर आया है मुझको उपदेश सुनाने को, शब्दों में भरी अग्नि ज्वाला, मेरा ये जिगर जलाने को। भूनब सस और दिवाकर पर आतंक छा गया मेरा है,
जिस काल से सब थर्राते हैं वह भी चरणों का चेहरा है। क्यों तप से केवल विक्रम को बेकार सुनाता बात मुझे, कर रहा मृत्यु को आमंत्रित बंदर होता है ज्ञात मुझे। ऐ बंदर, तपस्वियों की बात को इस तरह से बखान करके मुझे बताता है, क्या मेरे बल और मेरे प्रताप को नहीं जानता है? तू बड़ा उदंड बंदर है, मेरे बेटे अच्छे कुमार को मार डाला। सो ऐ मेरे लंका के वीरों, इसी क्षण इस बंदर के प्राण हरण कर लो। सभी राक्षस दौड़े। तभी उसी समय विभीषण जी आगे, विभीषण जी आए तो कहा कि बड़े भैया, किसी भी दूत का वध करना सर्वथा अनुचित होता है, अगर दंड ही देना है तो कोई उचित दंड दो। तब रावण ने कहा कि इसने पूंछ से मेरे राजसों का सिंहार किया है और इस पूंछ से ही इसने मेरी वाटिका का नाश किया है, सो इससे अच्छा है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब पूंछ से विहीन होकर के जाएगा अपने मालिक के पास, तो अपने मालिक को मेरे प्रताप और पौरुष को बतलावेगा, जिससे तपसी डर से भाग जाएंगे, यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे ही नहीं। राक्षस बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए यतन करने लगे। जातुदान सुने रावण बचना, लागे रचन मूड़ सुई रचना, रहान नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूछ की निक पिखेला। रावण की वचन को सुनकर के सभी मूर्ख राक्षस पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे हैं। पूछ के लपटने में इतना कपड़ा और इतना घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया अर्थात पूछ बढ़ा दी कि नगरवासी लोग तमाशा देखने के लिए आए। आखिरकार हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दी तो हनुमान जी ने तुरंत अपने स्वरूप को छोटा किया और ऊपर उड़ करके समस्त लंका नगरी को एक एक करके जलाने लगे। जलावे कपिलंका चढ़ी के अटारी, जलावे कपिलंका हल जलावे दुई महल जलावे, एक विभीषण के घर में बचावे, जलावे कपी लंका चढ़ी के अटारी। उलट पलट लंका कुली जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, जलावे कपी लंका चढ़ी के तारी, जलावे कपी लंका चढ़ी के तारी, जलावे कपी लंका। हनुमान जी ने आखिरकार लंका को जला दिया, सोने की लंका काली पड़ गई और बाद में समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाकर सीता जी के समक्ष प्रकट हुए। पूंछ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोरी, जनक सुता के सामने ठाड़ भय कर जोरी, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। माता सीता जी के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि ऐ माता, जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे निशानी दी थी कि आप पहचान जावे कि मैं उन्हीं का दूत हूँ, उसी प्रकार से आप भी मुझे कोई पहचान दीजिए, ताकि प्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं आपकी खोज करके आपकी सुधि लेकर के वापस आया हूँ। तब माता सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया। चूड़ामणि उतार तब लाया हूँ, हरस समेत पवन सुत लाया हूँ,
कहूं तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। दीन दयाल विरद समवारी रघुनाथ मम संकट वारी। मास दिवस महु नाथ नयावा तो पुनि मोहि दियत नहीं पावा। चूड़ा मणि उतार कर हनुमान जी को देते हुए माता जी ने कहा कि ए हनुमान जाकर मेरे स्वामी से कहना कि मैं बहुत संकट में हूँ, उन्हें हमेशा याद करती हूँ। उनसे कहना कि एक समय जयंत ने मेरे पैरों में चोच मारा तो मेरे स्वामी ने एक ऐसे बाण का संधान किया कि जयंत को किसी लोक में स्थान नहीं मिला। अब क्या कारण है, मेरे किस दोष के कारण, मेरे किस अवगुण के कारण मुझे भुलाए हैं। उनसे कहना हनुमान कि एक महीने में अगर वो ना आए तो फिर तो मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे। कह दियो बलिकारी हमार सुधी, कह दियो हमार सुधी, ओ हमार सुधी, ओ हमार सुधी, कह दियो ब्रह्मचारी हमार सुधी। एक माह में जो नहीं आई है हमके जियत पुनि कबहू न पई है। कह दियो बलकारी हमार सुधी, कह दियो बलकारी हमार सुधी। सब प्रकार से सीता जी ने संदेश कहा तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा माता आप चिंता न करें, एक महीने का समय तो बहुत होता है, इससे पहले ही हम आकर के आपको यहाँ से लेवा कर चलेंगे। तो जनक सुतई समझाई करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि गमन राम पहकीन। अरे चलत महाधुनि घर जसी भाई, गर्भ स्रवही सुनी निस चरनारी, नाग सिंधु यही पारही आवा, सब दिकिल किला कपिन सुनावा। हर से सब बिलाओ की हनुमान, नूतन जन्म कपिन सब। हनुमान जी चलते समय इस तरह से गर्जना किए कि जिनकी आवाज को सुनकर राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र लाग करके इस पार आए, उन्होंने बंदरों को किलकिला करके हर्ष ध्वनि सुनाया जिससे सभी बंदर समझ गए कि हनुमान जी प्रभु के कार्य को करके वापस आ गए हैं। तब सभी मिलकर आपस में वहां फलों का भक्षण कर सरोवर में जलपान करके पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के पास समस्त बंदरों की सेना चल पड़ी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी अंगद जी नल नील जामवंत जी सभी राम के पास जा रहे हैं। जय श्री राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदस रथ यज बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहिं बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय।